नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन से संबंधित आज हम लोग MCQ देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे मादा युग्मक उद्भिद कहते हैं? ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी डिम्ब, ऑप्शन सी भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन डी एंटीपोडल कोशिका। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भ्रूण कोश। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोमा पाया जाता है ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी अंडाशय में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी अधिवृषण में। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाशय में स्ट्रोमा पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाशय में। अगला क्वेश्चन है, लिडिक कोशिका पाई जाती है ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी वृषण में, ऑप्शन सी वृक्क में, ऑप्शन डी गर्भाशय में। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृषण में लिडिक कोशिका या लिडिक कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी पेप्सिन और ऑप्शन डी है लार। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करती है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य में प्राथमिक नर जनन अंग है ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी वृक्क। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृषण। मनुष्यों में प्राथमिक नर जनन अंग वृषण होता है। अगला क्वेश्चन है, वृषण को रखने वाली थैली कहलाती है ऑप्शन ए वृषण पालिका, ऑप्शन बी वृषण कोश, ऑप्शन सी वृषण जालिका और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृषण कोश। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर कितने शुक्राणु बनाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 4। शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर 4 शुक्राणु को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर कहलाती है ऑप्शन ए मायोमेट्रियम, ऑप्शन बी पेरीमेट्रियम, ऑप्शन सी एंडोमेट्रियम और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडोमेट्रियम। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के दौरान उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करता है ऑप्शन ए एम्पुला, ऑप्शन बी स्थमस, ऑप्शन सी झालर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झालर। क्वेश्चन नंबर 10, आरवत चक्र अथवा रजोधर्म पाया जाता है ऑप्शन ए मादा प्राइमेट में, ऑप्शन बी मादा अप्राइमेट में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मादा प्राइमेट में रजोधर्म पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु का अग्रभाग कहलाता है ऑप्शन ए ग्रीवा, ऑप्शन बी पुच्छ, ऑप्शन सी अग्रपिंडक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्रपिंडक। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के बाद गर्भाशय अंतः स्तर में अंतरोपण हो जाता है ऑप्शन ए युग्मनज में या फिर तूतक में या फिर कोरकपुटी में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरकपुटी में। अगला क्वेश्चन है, 13 भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? काफी VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। ऑप्शन ए n, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 3n और ऑप्शन डी है a एवं c दोनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, a और c दोनों, यानी n और 3n, ये दोनों के दोनों सही है। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है कि 3n प्लस n ये क्या बनाएगा, भ्रूण पोष बनाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या a और c दोनों। अगला क्वेश्चन है, युग्मन जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं ऑप्शन ए नर युग्मक, ऑप्शन बी मादा युग्मक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी नर या मादा युग्मक। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, 14 नर युग्मक बनते हैं ऑप्शन ए जनन कोशिका से, ऑप्शन बी नली कोशिका से, ऑप्शन सी काय कोशिका से, ऑप्शन डी प्रोथेलियल कोशिका से। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध बाहर जाता है ऑप्शन ए मेमरी पाली से, ऑप्शन बी ममेरी ग्रंथि से, ऑप्शन सी ममेरी नलिका से और ऑप्शन डी लैक्टिसेफेरस नलिका से। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिसेफेरस नलिका से दूध बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक है ऑप्शन ए शुक्राणु, ऑप्शन बी अंडवाहिनी, ऑप्शन सी अंडाणु और ऑप्शन डी प्रोस्टेंट। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडाणु। अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मक को अंडाणु नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 18 अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है ऑप्शन ए स्थिमस, ऑप्शन बी एम्पुला, ऑप्शन सी
फिम्ब्री, ऑप्शन डी इन्फंडी वुलम, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्थमस। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किससे उद्दीपित करता है, ऑप्शन ए शरीर को, ऑप्शन बी सिर को, ऑप्शन सी पुच्छ को और ऑप्शन डी है शुक्राणु जनन को। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शुक्राणु जनन जो है ये एस्ट्रोजन से ही उद्दीपित होता है, उत्तेजित होता है। अगला क्वेश्चन है, यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र कहलाता है, ऑप्शन ए अंडाणु, ऑप्शन बी शुक्राणु, ऑप्शन सी रजोदर्शन, ऑप्शन डी आर्तव। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रजोदर्शन। जो यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र होता है उसे रजोदर्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग का नियमन किस हार्मोन द्वारा होता है, ऑप्शन ए TSH, ऑप्शन बी ACTH, ऑप्शन डी AOH और ऑप्शन डी FSH। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, ऑप्शन ए लाइसोसोम से, ऑप्शन बी केंद्रक से, ऑप्शन सी गोल्जी सम्मिश्र या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया से। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोल्जी सम्मिश्र अथवा गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। अगला क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग से शुक्राणु प्रवेश करता है, ऑप्शन ए बीजांड द्वार से, ऑप्शन बी एनिमल पोल से, ऑप्शन सी मेगापाइल से, ऑप्शन डी वेजिटेरियन पोल से। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनिमल पोल से। अगला क्वेश्चन है, शुक्र जनन प्रेरित होता है, ऑप्शन ए FSH द्वारा, ऑप्शन बी MSH द्वारा, ऑप्शन डी ACTH द्वारा और ऑप्शन डी है HCG द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, FSH द्वारा शुक्र जनन प्रेरित होता है। अगला क्वेश्चन है, फिलोपियन नली किसका भाग है, ऑप्शन ए गर्भाशय का, ऑप्शन बी मूत्र वाहिनी का, ऑप्शन सी अंडवाहिनी का और ऑप्शन डी है वास डिफरेंशिया का। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंडवाहिनी का भाग फेलोपियन नली का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है, ऑप्शन ए डायफ्राम, ऑप्शन बी मुख्य गोली, ऑप्शन सी निरोध या कंडोम और ऑप्शन डी है कॉपर टी। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉन्डोम अथवा निरोध। अगला क्वेश्चन है, स्तनपान अनार्तव संबंधित है, ऑप्शन ए गर्भ निरोध की अस्थायी विधि, ऑप्शन बी आर्तव का अभाव से, ऑप्शन सी गर्भ निरोध की अस्थायी विधि से और ऑप्शन डी है एक यौन संचारित रोग से। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि से। अगला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमेट में युग्मनज होता है तब यह कहलाता है, ऑप्शन ए अलैंगिक जनन, ऑप्शन बी लैंगिक जनन, ऑप्शन सी वर्धिकायिक और ऑप्शन डी है मुकुलन। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, 29, निम्न में कौन अंडप्रजक प्राणी है, अंडप्रजक को समझ लेते हैं, जो भी प्राणी अंडा देता है उसको अंडप्रजक प्राणी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला ऑप्शन है मुर्गी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई लोग ये मुर्गी जो है ये क्या हो जाएगा, अंडप्रजक प्राणी हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुर्गी। चैनल पर नया तो चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को कहते हैं, ऑप्शन ए एम्ब्रियोजेनी, ऑप्शन बी पॉली एम्ब्रियोनी, ऑप्शन सी पार्थेनोकार्पी एंड ऑप्शन डी है एपोकार्पी। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एम्ब्रियोजेनी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, ऑप्शन ए गर्भाशय, ऑप्शन बी भग, ऑप्शन सी लोबिया मेजोरा और ऑप्शन डी काउपर ग्रंथि। तो देखिए ये जो तीनों भाग है ए बी और सी, ये तीनों के तीनों स्त्री में पाए जाते हैं और ये ऑप्शन डी जो है ये पुरुष में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, काउपर ग्रंथि। तो सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि जो है ये सिर्फ पुरुष में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है, ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी सेंट्रीओल, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है एक्सोनिम। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो शुक्राणु के मध्य भाग में रहता है। क्वेश्चन नंबर 33, नर में वृषण कोष स्थित रहता है, ऑप्शन ए वक्ष गुहा में, ऑप्शन बी उदर गुहा में, ऑप्शन सी उदर गुहा के बाहर एंड ऑप्शन डी अंडाशय में। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदर गुहा के बाहर। उदर गुहा के बाहर जो है वृषण कोष उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 34, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, ऑप्शन ए अंडाशय द्वारा,
ऑप्शन बी वृष्ण द्वारा, ऑप्शन सी जनन ग्रंथि के द्वारा और ऑप्शन डी है गर्भाशय द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वृष्ण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है अथवा उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, अंडाशय का आंतरिक भाग कहलाता है, ऑप्शन ए ग्रेना, ऑप्शन बी स्ट्रोमा, ऑप्शन सी फॉलिकल, ऑप्शन डी गर्भाशय। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्ट्रोमा, अंडाशय के आंतरिक भाग को स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्ट्रोमा। अगला क्वेश्चन है, साधारण दो मासिक पीरियड में कितने दिनों का अंतर होता है, ऑप्शन ए 10 दिनों का, ऑप्शन बी 20 दिनों का, ऑप्शन सी 24 दिनों का और ऑप्शन डी है 30 दिनों का। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दो पीरियड या फिर दो मासिक पीरियड में 30 दिनों का अंतर होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 दिनों का। लास्ट क्वेश्चन है 37, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 50 वर्ष और एंड ऑप्शन डी है 70 वर्ष। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 वर्ष, 50 वर्ष जो है स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की अवधि अथवा उम्र होती है। दोस्तों जो चैप्टर 3 था हम लोग का मानव जनन, उससे संबंधित MCQ जो है वो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।